आज के समय में जो खेती की प्राथमिकता है वो ये है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। अभी तक जो फोकस रहता था और जो हमारा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी है वो 95% इसी पे फोकस था कि उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होती थी वो भी लास्ट लाइन उसमें यही होती थी कि इस तकनीक को अपनाया जाए तो किसान भाई कितनी उपज ले सकते हैं। लेकिन ये महसूस हुआ कि उपज बहुत ज़्यादा लेने से भी किसान की आमदनी ज़रूरी नहीं है, वो बढ़ जाए। जब तक कि जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसको जो है आमदनी में कन्वर्ट न किया जाए, इनकम में न परिवर्तित किया जाए, तब तक जो प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है उसका किसान को डायरेक्ट फायदा नहीं। और कई बार तो प्रोडक्शन बढ़ने से ये भी होता है कि किसान की आमदनी भी बढ़ जाती है। जैसे कई फसल है, टमाटर को ले लीजिए, आलू को ले लीजिए, प्याज को ले लीजिए, प्रोडक्शन बढ़ गया, रेट उसका बहुत कम हो गया। और यहाँ तक कि कुछ किसानों ने आलू को खोदा भी नहीं। आपने देखा होगा कई किसानों ने कई जगह पे आलू को, प्याज को, टमाटर को सड़कों पर फेंका। और उसका मुख्य कारण यही था कि हमारे पास कूल जो चेन होनी चाहिए या स्टोरेज की फैसिलिटी फार्मर के लिए वो नहीं थी। और क्योंकि ये पेरिसेबल कमोडिटी है और उसके कारण वो जो उसका मार्केटिंग समय से नहीं हो पाई तो उनकी आमदनी कम। अब सरकार की प्राथमिकता ये है कि किसान का प्रोडक्शन तो ठीक है, वो भी बढ़ना चाहिए क्योंकि देश को खाना भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक मुख्य जो अब फोकस है वो ये है कि किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। और इसके बहुत सारे योजनाएँ सरकार ने शुरू की हैं और उनके जो फल है वो अब दिखने में लगा है। जैसे पहली बात है प्रोडक्शन को ही कैसे बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी है, नई वैरायटीज़ हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, उनको ला के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहला तो एक प्रयास ये है। दूसरा, बिना प्रोडक्शन बढ़ाए भी यदि हम उसके खर्चे को कम कर दें तब भी आमदनी बढ़ सकती है। और खर्चा कम करने के लिए जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उनको कमी करने की ज़रूरत है। पहला इनपुट है आपका खाद है, क्योंकि किसान भाई जब खाद की बात आती है तो उनको पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की या किसी अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट की। और जनरली देखा ये गया है जब भी खाद डालने की बात आती है तो किसान जो है नाइट्रोजन या यूरिया उसमें डाल देता है। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो उसकी जो है कॉस्ट बढ़ गई, नाइट्रोजन की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रूरत किसी और एलिमेंट की थी। दूसरी, उसको जो सॉइल को नुकसान हुआ, जो अंडरग्राउंड वाटर है क्योंकि 40-45% जो लीच कर जाता है ज़मीन के अंदर, तो पानी में पॉल्यूशन हुआ और उसकी आमदनी जो इनको है कॉस्ट है वो भी बढ़ी। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, और आप सभी को पता है, सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया। और अभी जो आंकड़े हैं उसमें 11 करोड़ किसान परिवारों ने जो है सॉइल हेल्थ कार्ड उनको दिया जा चुका है। टोटल 13 करोड़ फार्मर्स फैमिली हैं तो 11 करोड़ को दिया जा चुका है। और उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि फार्मर को कैसे गाइड किया जाए कि किस चीज़ की कमी है। अब इसको देखते हुए हमारे संस्थान ने भी एक मशीन डेवलप की है, STFR उसको कहते हैं, सॉइल टेस्ट वेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, एक मीटर है। और वो जो है मोबाइल है, छोटा से आकार का होता है, कंप्यूटर की तरह होता है, इतना छोटा होता है। और उसको आप जो है कहीं भी ले भी जा सकते हैं और उसमें जो है आप जो है तुरंत उसकी जो फार्मर के खेत पर जाके या कहीं और जगह उसकी मिट्टी की जांच वहाँ कर सकते हैं। और उसमें ये भी प्रोविज़न है, वो 14 जो अभी तक 12 थे, अभी उसमें 14 एलिमेंट्स हैं, उनका वो पैरामीटर्स हैं, उनका वो करता है, एवोल्यूशन करता है। और यदि आप ये कहें कि मुझे प्रोडक्शन लेवल ये चाहिए तो उसके भी वो बताता है कि इतना आपको जो है इसमें इनपुट्स डालने होंगे। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इसमें जो वेस्टेज है फर्टिलाइज़र की वो नहीं हो। एक दूसरा इनपुट है मेन जो है वो पानी का है। अब पानी आपने देखा होगा कि किसान भाई फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी एक तरफ से खोलेंगे और वो दूसरी तरफ तक चढ़ता चला जाएगा पानी। यदि उसका मुहारा जहाँ से पानी जा रहा है वो नीचा है और दूसरी तरफ ऊँचा है तो जब तक इधर से फ्लडिंग नहीं हो जाएगी तब तक ऊपर पानी पहुँचाएगा नहीं। इसके 2-3 नुकसान हुए।
एक तो जहाँ से एंट्री हो रही है पानी की वहाँ पर फसल को नुकसान होता है, वहाँ की पानी बढ़ जाता है, दूसरा लास्ट जब तक वो पहुँच नहीं पाता और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी जैसे लेजर लेवलिंग की जाए, एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाए, तो इन चीज़ों पर बहुत प्रयास चल रहा है कि उसको जो लागत को कैसे, पानी की लागत को, खाद की लागत को, श्रम की लागत को, इसमें मैकेनाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है, कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जिसमें ड्रजरी बहुत होती है उनको कैसे कम किया जाए, फर्टिलाइज़र को कैसे रिप्लेस किया जाए, इसमें बायोगैस प्लांट स्लरी का बात आती है, इसमें कंपोस्टिंग की बात आती है, बायो फर्टिलाइजर्स की बात आती है, तो इस पर बड़ा फोकस हो रहा है। परंपरागत खेती योजना एक जो है, परंपरागत खेती योजना जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की है वो शुरू की गई है, और बहुत सारे की खेती की प्रणाली आ रही है, जैसे यौगिक खेती है, पालेकर साहब की जो है जीरो बजट खेती है, सिप खेती है, बहुत तरह की जो प्रयास आ रहे हैं, और उन सब का फोकस यही है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कैसे रिप्लेस किया जाए। और इसके पीछे साइंस ये है कि प्लांट को कुछ एलिमेंट्स चाहिए, NPK और जो है, यदि जरूरी नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर से ही हम दें, यदि इनको हम बायोगैस से दे सकते हैं, गोबर से दे सकते हैं, कंपोस्ट से दे सकते हैं तो और भी अच्छा है, बल्कि इसमें सॉइल की कंडीशन बढ़ जाती है, उसकी ह्यूमस उसमें बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसमें एयरेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा होता है, तो वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होने के साथ साथ जो सॉइल की जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन बढ़ती है उसका जो है दूरगामी प्रभाव जो है सॉइल पे पड़ता है, आपका पानी लीच होके नीचे नहीं पहुंचता, तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो इस पे बड़ा काम हो रहा है। दूसरा है, अब एक फोकस और हुआ है कि प्रोडक्शन तो ठीक है, पहले इशू था फूड सिक्योरिटी, अब बात आ रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि हमें खाना तो खा लिया लेकिन क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्रीडिंग फॉर न्यूट्रिशन, यानी ऐसी प्रजातियां फसलों की, फलों की, सब्जियों की, ऐसी प्रजातियां पैदा की जाएं जिसमें जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको जो है एड्रेस किया जा सके। तो इसी तरह से धान की सब्जियाँ निकाली हैं, गाजर की निकाली हैं, गोभी की निकाली हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनकी ऐसी प्रजातियां निकल रही हैं वो किसी न किसी एलिमेंट में उसमें जो है हायर वैल्यू जो है उसकी होती है, तो क्वालिटी। और जब ऑर्गेनिक की भी हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक जो फूड है वो भी एक क्वालिटेटिव फूड है, तो इस पर एक फोकस है, जिससे क्वालिटी फूड यदि फार्मर प्रोड्यूस करेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, जैसे गाय बेस्ड इकोनॉमी और बिजनेस मॉडल पर बहुत काम हो रहा है, कि गाय को कैसे हम एक वायबल इकोनॉमिक मॉडल बना सकते हैं। इमोशनली हम कहते हैं गाय हमारी माता है, और वास्तव में इसमें इतने गुण हैं और इसकी इतनी चीज़ें हैं, जो पंचगव की हम बात करते हैं, उसका दूध है, दही है, घी है, गोबर है, यूरिन है, हर चीज़ का अपना महत्व है, और यहाँ तक कि कुछ लोग अब गाय मिल्क है एकदम सेकेंडरी, जो प्राइमरी उसका जो इनकम है वो यूरिन है और गोबर है, और बहुत सी जगह ये भी मॉडल डेवलप हो रहे हैं कि आप अपनी गाय दे जाइए, दूध आप ले लीजिए और यूरिन और जो गोबर होगा उससे हम यूज़ करेंगे, बीजामृत बनाएंगे, जीवामृत बनाएंगे, गुनाइल बनाएंगे। एक किसान मुझे देखेगा एक बॉटल, वो उसके यूरिन से फिनाइल बना रहे हैं, उसका नाम रखा है गुनाइल, और वो 60 रुपये लीटर, 60 रुपये का 750 ml, जबकि दूध का रेट तो 50 रुपये है, 50 रुपये लीटर है, और इसका जो उसका प्रोडक्ट है उसका जो है 60 रुपये का 750 ml है। तो ये अभी बिजनेस मॉडल डेवलप होने शुरू हुए हैं, और हम इसको बुंदेलखंड में इस पर हम काम शुरू किए हैं, उन्नत भारत अभियान करके एक योजना है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उसमें हमने 5 गाँव जो है बुंदेलखंड में बबीना ब्लॉक में लिए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने उस पर काम करना शुरू किया है, उसका हमने पूरा सिचुएशनल एनालिसिस किया है, क्योंकि वहाँ एक गाय की बड़ी प्रॉब्लम है, अन्ना प्रथा, जिसमें गाय को खुला छोड़ देते हैं वहाँ, और वो किसानों के अपने खेतों में बहुत नुकसान करते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये आया, भारत सरकार का भी फोकस है, उत्तर प्रदेश सरकार का तो बहुत बड़ा इस पर संज्ञान है, और संस्थान ने भी इस पर काम करना शुरू किया है, कि कैसे गाय को हम वहाँ पर
एक बिजनेस मॉडल करके शुरू करें, उसके गोबर को, यूरिन को, उन चीज़ों को प्रोसेसिंग कैसे हो, ब्रांडिंग कैसे हो, पैकेजिंग कैसे हो, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, और हम कोशिश कर रहे हैं उनको जो है लिंक करने की मार्केटिंग सिस्टम से। तो एक ये एक सबसे बड़ा जो मैं सोचता हूँ कंपोनेंट है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं गया था, अब गया है। किसान की आमदनी प्रोडक्शन से नहीं बढ़ सकती, ये मेरा मानना है। आंकड़े यदि आपको दूँ तो प्रोडक्शन जो है 3 से 4% पर ईयर बढ़ता है, लेकिन हम ये वेस्टेज लेवल देखें 15 से 20% वेस्टेज होता है हमारा सीरियल्स में। तो यदि 275 मिलियन टन हुआ है तो हमारा जो है 60 मिलियन टन तो वेस्ट ही हो गया, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है 3 से 4%, वेस्टेज हो रहा है 15 से 20%। तो यदि हम उस वेस्टेज को कम कर दें, आधा भी कर दें, तो कई बार हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि उसके लिए लागत लगती है, लेबर लगता है, इनपुट लगता है, फर्टिलाइज़र लगता है, और उसके बाद 15 से 20% वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको कैसे बचाया जाए। जब ये सरकार आई थी, एक नारा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, जीरो हंगर थ्रू जीरो वेस्टेज, यानी हम उसको बचा लें जो हम वेस्ट करते हैं, तो हमारे देश की जो हंगर है, जो गरीब है, उसको नहीं पहुंच पाता, वो जो है उसकी पूर्ति हो सकती है। दूसरा, फल सब्जी फूल, इसमें वेस्टेज का कोई हिसाब ही नहीं है, 30%, 40%, 50%, क्योंकि पेरिसेबल कमोडिटी है, पैदा गांव में होती है फूल या सब्जी, और उसकी डिमांड कहाँ है, शहर में। इंडिविजुअल के बस की ये नहीं है कि वो 10 किलो फूल उसने तोड़ा तो उसको तुरंत जो है दिल्ली या गाजीपुर या पहुँचाए, लिहाजा बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, और उसके लिए प्रयास कुछ लोगों ने किए हैं, कलेक्टिव मार्केटिंग के किए हैं, बचाया जाए। तो इसमें जो वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी अहम भूमिका है, और एक ये ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना पोटेंशियल है, जो ग्रामीण क्षेत्र की दो प्रॉब्लम है, एक तो आमदनी की और एक एम्प्लॉयमेंट की। यदि ये सेक्टर विकसित किया जाए तो किसानों के बच्चों को, युवाओं को रोज़गार इसमें मिल सकता है, लाखों रोज़गार मिल सकता है, और किसान की आमदनी डबल नहीं, मैं तो कहता हूँ कई गुना बढ़ सकती है। अब आपको कुछ उदाहरण मैं दूँ, आलू किसान का रेट 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कई बार वो भी नहीं, टमाटर कई बार 90 रुपये, 60 रुपये, कई बार 5 रुपये, कई बार फेंकना पड़ा, यही प्याज का। लेकिन इसके जो प्रोडक्ट हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, उनकी कभी कीमत कम नहीं होती। टमाटर की प्यूरी होती है, उसका रेट कभी कम होता है क्या? टमाटर का जो सॉस होता है, टोमेटो सॉस, उसका रेट कभी कम हुआ था? आलू का चिप्स है, आलू 2 रुपये हो गया, आलू 1 रुपये भी हो गया, खुदा भी नहीं, लेकिन टमाटर उसके आलू के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत कम नहीं हुई। तो बात हो रही है ये कि इसकी क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, आपने उसके टमाटर का सॉस बना लिया, उसको आप साल भर रखिए, 2 साल रखिए, लेकिन टमाटर को आप हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो फेंकना ही पड़ेगा, एक उसकी डिमांड नहीं होती, इस बार बहुत इसकी दुर्गति टमाटर की। तो इसलिए यदि हम उसमें वैल्यू एडिशन करें तो 2 फायदे होंगे, एक तो वेस्टेज नहीं होगा, कि आप उसको एक अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट जो 5 रुपये का बिक रहा था वो 50 का बिक सकता है। मैं आपको गेहूँ का उदाहरण दूँ, गेहूँ का 16-17 रुपये, MSP 1600 कुछ है शायद, लेकिन वो भी कई बार मिलता नहीं है, 15-16 रुपये किलो गेहूँ बिकता है। यदि उसको दलिया बना दिया जाए मोटा पीस के, तो वो 45 रुपये हो जाता है। हल्दी का रेट 8-10 रुपये है, हरी हल्दी, अभी हम यहाँ बुलंदशहर में गए, 8 रुपये किलो वहाँ हल्दी है, 5 किलो हल्दी को वो खुद कर रहे हैं, 5 किलो हल्दी को यदि सुखा लिया जाए तो वो हल्दी जो है 1 किलो पाउडर बन जाता है, और वो पाउडर की कीमत जो उन्होंने 180 रुपये रखी, उन्होंने हमें दिया। 40 रुपये की चीज़ को सुखा के, पीस के और 180 में बेच रहे हैं, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। दूध है, हमारा गांव तो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, पंजाब में अभी हम पटियाला में गए, वहाँ भी 25 रुपये लीटर दूध है, जबकि एक तरह विकसित जो स्टेट है वहाँ भी 25 रुपये, कहीं 35 रुपये,
और हमारे यहाँ क्षेत्र में तो 25 रुपये। लेकिन वही दूध जब थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है, अमूल का पाउच बन जाता है, पाउच में पहुँच जाता है, तो 200 ml का अमूल का पाउच जो है शायद 12 रुपये का हो, 15 रुपये का होगा, तो वो 80 रुपये किलो हो गया, जबकि उसमें पानी भी मिला, शुद्ध भी नहीं किया हुआ, और वो छाछ भी बेचो आप, उसमें से सब कुछ निकालने के बावजूद भी 40-45 रुपये लीटर हो जाती है, यानी कि वो दूध से महंगी है, और कई केसेस में तो दूध पानी से भी सस्ता है। क्यों? उसका हमारा प्रेजेंटेशन नहीं आता, क्योंकि हमने फार्मर को सिर्फ ये सिखाया कि दूध ज़्यादा पैदा कैसे करें, जानवर को क्या खिलाए, लेकिन उससे आमदनी करे ये नहीं सिखाया, आमदनी कोई और करता है, ऐसा नहीं आमदनी, लेकिन प्रोड्यूसर, नॉन प्रोड्यूसर उसका फ़ायदा उठा रहा है, चाहे टोमेटो हो, चाहे अनियन हो, चाहे आलू हो, चाहे दूध हो, सहज है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इस पर फोकस है, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत फोकस किया इस पर, हमारे कृषि नीति जिले में बोले आप तो थे, लेकिन किसान का जो शहद है वो 80 रुपये 100 रुपये में बेच रहा है किसान, कई बार तो इससे भी कम बेचता है, लेकिन वही शहद थोड़ा सा उसको प्रोसेस कर लिया जाता है, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर दिया जाता है, बॉटलिंग वगैरह उसकी अच्छी कर दी जाती है, तो प्राइवेट कंपनीज उसको 400 रुपये लीटर भी बेच रही है, जो 80 रुपये खरीदा गया, प्रोड्यूसर को सारी रिस्क ली, टाइम लगाया, खर्चा किया, उसको 80 रुपये मिले या 100 रुपये मिले, और जिसने उसको लेके वैल्यू एडिशन किया, प्रोसेसिंग की, प्रेजेंटेशन किया, ब्रांडिंग की, वो जो है उसका 400 रुपये हो गया, और उसको ऑर्गेनिक हनी का नाम दे दिया तो वो 800 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम फार्मर को यदि प्रोड्यूसर ही रखेंगे तो उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी और नॉन प्रोड्यूसर उसका फ़ायदा उठाता रहेगा, इसमें उसकी जो स्किल है, अब जो फार्मर है उसकी जो पहचान, जो एग्रीकल्चर थी, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, उसको एक डायनेमिक एंटिटी में बदलना पड़ेगा, एग्री बिजनेसमैन में उसको उद्यमी बनाना पड़ेगा, और जब हम उद्यमी की बात करते हैं तो उसमें स्किल्स ये डेवलप करनी पड़ेगी, एंटरप्राइजिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल्स उसमें डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन की नहीं, प्रोडक्शन के बाद में क्या करें, सबसे बड़ी चीज़ इसमें मार्केटिंग आती है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ जो कंज्यूमर 100 रुपये देता है किसी प्रोडक्ट के, किसान के किसी प्रोडक्ट के 100 रुपये देता है कंज्यूमर, तो किसान के पास उसका 25% ही मिलता है, 25 रुपये, बाकी जो नॉन प्रोड्यूसर और जो चेन है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ज़रूरत ज़्यादा इस चीज़ की है कि फार्मर का शेयर कंज्यूमर रूपी में कैसे बढ़ाया जाए, जो अभी 25 रुपये मिल रहे हैं उसको हमें 40 कैसे किया जाए, उसको 50 कैसे किया जाए, और इसमें आपको जानकारी होगी गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है ईनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें देश की सारी मंडियों को जो है इलेक्ट्रॉनिकली नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश की। मेरा मानना है यदि मार्केटिंग हम मुहैया करा दें किसान तो उसकी आमदनी डबल नहीं और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं एक उदाहरण दूँ, मैं दार्जिलिंग यहाँ कालिम्पोंग गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें एक संस्था है उसने ऑर्गेनाइज किया था, वो बताए कि यहाँ दो चीज़ों की जो 2 कमोडिटीज़ है जिन पर इकोनॉमी पूरी बेस्ड है, एक लार्ज गार्डन और एक दार्जिलिंग मैंड्रेन संतरा, ये 2 चीज़ें हैं जिस पे यहाँ की इकोनॉमी बेस्ड है। कह रहे थे जो कार्डमम थी वो 400 रुपये किलो बिकती थी लोकल मार्केट में, लोकल ही, अब वो ट्रेडर होते होंगे वो कहीं और ले जाते होंगे, लेकिन उनका उन्होंने ऑक्शनिंग शुरू कर दी 2-3 साल पहले ऑनलाइन, कोई भी कहीं से भी उसको खरीद सकता है, उसका रेट हो गया 1600, 400 से 1600। अब आपका सारा फोकस यही रहता कि उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, तो लागत लगाने के बाद भी हो सकता है 10-20% प्रोडक्शन बढ़ता, 25% प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन एक मार्केटिंग इंटरवेंशन से उसकी आमदनी 4 गुनी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि फार्मर को मार्केटिंग में निपुणता कैसे लाई जाए, कब बेचे, कहाँ बेचे, कैसे बेचे। कुछ किसान हैं तुरंत बेच देते हैं, उस समय रेट बहुत कम होता है, कुछ किसान हैं जो दूसरे किसान का खरीद के 2 महीने रख लेते हैं, उसी में उनको 15-20% मार्जिन मिल जाता है, जो कि किसान को प्रोड्यूसर को मिल जाता है।
कहाँ बेचें, कुछ लोकल बेच देते हैं, कुछ उसको कनेक्टिव मार्केटिंग करके दूसरी जगह बेचते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ कैसे बेच रहे हैं, शिमला से कोई 50 किलोमीटर दूर एक मतियाना क्लस्टर है, वहाँ ऑफ सीजन वेजिटेबल होती है हिमाचल में, वहाँ का जो 25 किलोग्राम भी जो गोभी उगाता है वो दिल्ली में बेचता है, वो कैसे बेचता है? सारे किसान अपना प्रोड्यूस एक संस्था बनाई उन्होंने, सारे किसान अपना प्रोड्यूस शाम को तोड़ के रोड हेड पर रख देते हैं, पीछे से एक ट्रक हायर करते हैं, नारकंडा से वो चलता है और सबका सामान इकट्ठा करता हुआ रात को 5 बजे वहाँ से चलता है, रात को 3 बजे आजादपुर मंडी में पहुँचता है। यानी कि इस मैकेनिज्म से वहाँ 400 किलोमीटर पहाड़ी पर बैठा हुआ किसान अपना 20 किलो माल यहाँ बेच रहा है और हो सकता है वहाँ का रेट 5 रुपये हो तो यहाँ का 15 रुपये, ये सिस्टम चल रहा है। एक उदाहरण दूँ, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, 2 महीने ही वहाँ का रास्ता खुलता है और वो भी निश्चित नहीं है कि वो 2 घंटे 2 महीने जो खुलता है कब खुलेगा, कभी अगस्त में खुलता है, कभी जुलाई में खुलता है, मुझे जाने का एक बार मौका मिला। अब मुझे जब मैं गया वहाँ तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत गरीबी होगी, 2 महीने रास्ता खुलता है, कोई साधन नहीं है, और मुझे पता लगा ये तो बहुत संभ्रांत जिला है देश का। होता क्या है, 2 क्रॉप होती है, एक आलू की और एक मटर की, और पानी का कोई साधन नहीं है, जो बर्फ़ पड़ती है उसी की नमी से ये दोनों क्रॉप होती हैं। आलू वहाँ का वायरस फ्री होता है क्योंकि इतनी हाइट पे होता है। तो अब बात ये आई कि ये इसे मार्केटिंग कैसे करते हैं, पूरे देश में उनका आलू बीज के लिए जा रहा है, कंजम्पशन के लिए नहीं, घर के खाने के लिए नहीं, बीज के लिए, वेस्ट बंगाल तक जाएगा, यूपी में जाएगा, यहाँ जाएगा। अब वो कैसे बेचते हैं, उन्होंने बताया था हमने लाहौल पोटैटो ग्रोवर से एक एसोसिएशन किया है। मार्केटिंग में जो इनोवेशन हो रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाहौल पोटैटो ग्रोवर्स एसोसिएशन, वो क्या करता है कि जो फार्मर्स अपना पोटैटो ग्रो करते हैं वो सब सीड के लिए होता है, लेटेस्ट वेराइटी होती है, और उसको जब वो फसल आ जाती है तो वो उसके हवाले करता है लाहौल पोटैटो ग्रोवर्स एसोसिएशन के। वो रात दिन ट्रक चला के जब रास्ता खुलता है उसको मनाली में ले आता है, मनाली में वो स्टोर होता है, और जो उनके ऑफिशियल्स हैं इस एसोसिएशन के वो पूरे देश में बार्गेनिंग करते हैं कि ये हमें बेचना है, इस रेट पे बेचेंगे, और किसान का काम रह गया सिर्फ प्रोडक्शन, और उसका जो शेयर है वो उसको बाद में जब सेल हो जाता है तो मिल जाता है। अब आप सोचिए कि ये इनोवेशन नहीं होता मार्केटिंग में, तो एक किसान जिसका 50 क्विंटल है या 20 क्विंटल है वो उसको कहाँ ले जाता, क्योंकि वहाँ तो डिमांड है ही नहीं। इसी तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटका में कमोडिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे महाग्रेव, ग्रेव के लिए महाग्रेव, अनार के लिए महा अनार, मैंगो के लिए महा मैंगो, इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। फार्मर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन सी वैरायटी कहाँ से लानी है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है, उनके प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करानी है, उसकी ब्रांडिंग करानी है, उसको दिल्ली भेजना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, सारा काम एसोसिएशन करता है। फार्मर का काम है सिर्फ प्रोडक्शन। अब आप देखिए कितनी सुविधा होगी, एक एक छोटा छोटा फार्मर जो 1 एकड़ का फार्मर है वो अपने अनार को और जो ये आपका ग्रेप अंगूर तो इतना पेरिसेबल है, इसको वो कहाँ बेचता अकेला, अब उसकी कोई चिंता नहीं, उसने सिर्फ वो भी वैरायटी भी देना, ट्रेनिंग भी देना, सारी जानकारी देना, वो एसोसिएशन का काम है। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विदेश में जाते हैं, इसराइल में आप बता रहे हैं कुछ, वो वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे क्या टेक्नोलॉजी है, दूसरे कंट्रीज में जाएंगे टेक्नोलॉजी, फिर उस टेक्नोलॉजी को अपने मेंबर्स को वो देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रोडक्शन पे तो ठीक है जितना फोकस हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद में जो ये फोकस है ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे वैल्यू एडिशन करें, कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें। और सरकार की जो योजना, एक और एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे काफ़ी किसान का प्राकृतिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण काफ़ी लॉस हो जाता है इसके कारण, जैसे कल भी जैसे आंधी आई कई जगह शायद बोली गई, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना है एक इसमें नए प्रावधान किए गए हैं, अब इसको कैसे कम किया जाए, अब क्लाइमेट चेंज है इसमें मिटिगेशन कैसे किया जाए, एडेप्टेशन कैसे किया जाए, इस पर भी बड़ा काम चल रहा है। कुछ वैरायटीज़ हैं
जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दूँ हमारी 3086 एक वैरायटी है गेहूँ की, वो आंधी चलेगी, पानी होगा, उसमें लॉजिंग कम होगी, उसका स्टैंड थोड़ा सा हार्डी होता है। तो इस तरह की वैरायटी भी डेवलप की जा रही हैं जो क्लाइमेट को सहन कर सके, क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजीज, इस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। फिर उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, एक और जो तरीका है इनकम बढ़ाने का, डाइवर्सिफिकेशन, गेहूं धान गन्ना ही नहीं, क्या आप सब्जी फल फूल बेबी कॉर्न इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जिनके पास में ज़मीन कम है। 23% ऐसे किसान हैं जिनके पास में 100 स्क्वायर मीटर भी ज़मीन है। अब ऐसी कम ज़मीन में, और 85% हमारे यहाँ किसान स्मॉल और मार्जिनल हैं, और पर कैपिटा जो पर फैमिली लैंड की अवेलेबिलिटी है वो 1.15 हेक्टेयर है। वर्ल्ड की 2% ही हमारे पास में ज़मीन है, और 17-18% पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। 2% ज़मीन और फीड करना है 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन गर्व की बात यह है वो भी फीड कर रहे हैं, और 60 मिलियन टन हमारे पास जो गांव में अभी रखा भी हुआ है। अब बात हो रही है छोटे किसान की, तो इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं कि उनको कैसे बकरी पालन कैसे कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो एक चीज़ ही नहीं, यहाँ पूसा संस्थान में भी एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया है, उसमें डकरी भी है, फिशरीज भी है, बेबी कॉर्न भी है, फ्लावर्स का भी है, डेयरी भी है, बायोगैस प्लांट है। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स वर्कआउट किया उसका 3.67 लाख नेट इनकम फ्रॉम 1 हेक्टेयर लैंड, और जो किसान की इनकम है 30,000, 40,000, 50,000 जो नॉर्मल सिस्टम है उससे होती है। तो क्या हम यदि ऐसे मॉडल्स को डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जो सुटेबल हो, क्योंकि आपका जो मान लीजिए कोस्टल एरियाज हैं वहाँ दूसरा सिस्टम काम करेगा, हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट है वहाँ दूसरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होगा, प्लेन्स के लिए कुछ और होगा। तो क्या हम डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को पूरे देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या? आमदनी दोगुनी नहीं, दोगुनी से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। आप हमारे कृषि उन्नति मेले में आते हैं, हर साल हम किसानों को अवार्ड देते हैं, और एक अवार्ड होता है IRI फेलो फार्मर, यानी IRI का किसान प्रोफेसर, उसको हम किसान प्रोफेसर की पदवी देते हैं हर साल 3-4 लोगों को, और जिन लोगों को इसमें हमने सेलेक्ट करते हैं उसकी किसी की भी आमदनी 3-4 लाख रुपए से कम नहीं होती, तो वो तो ऑलरेडी 4-5 गुना ले रहे हैं, हम तो डबल की बात कर रहे हैं, वो 4-5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। एक किसान कर्नाटका का, उसका नाम ही 9 लाख रुपये का। पिछली बार एक अनार दादा आए थे गुजरात से, हैंडीकैप्ट थे, पद्मश्री की उपाधि उनको मिली हुई है, वो 9 लाख रुपये 10 लाख रुपये अनार की खेती से कमाते हैं। यहाँ टेंडा गांव है, एक कमल सिंह चौहान है, बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, उनको बेबी कॉर्न मैन ऑफ इंडिया देते हैं, 16 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं बेबी कॉर्न, और ये शंकर रोड पे एक कंपनी है उनके साथ में टाई अप है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी किसान, अपनी ज़्यादा ज़मीन नहीं, 3-4 एकड़ होगी, लेकिन लीज पे लेते हैं। अभी वो उनका मुझे लगता है 30-40 एकड़ होगा या ज़्यादा भी हो सकता है, मशरूम लीज पे लेके प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है, टोमेटो प्यूरी बनाते हैं, मशरूम के प्रोडक्ट बनाते हैं, बेबी कॉर्न के 16-17 प्रोडक्ट बनाते हैं, और इतनी अच्छी पैकेजिंग है जो कॉर्पोरेट की होती है, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सुल्तान सिंह किसान है करनाल में, फिशमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, 31 एकड़ में मछली पालन करता है,
सीड प्रोड्यूस करता है, उन्होंने अपनी रिसर्च की है, और हमारे एक दो स्टूडेंट, मेरे खुद की स्टूडेंट उस पर रिसर्च की है पीएचडी, क्या क्या इनोवेशन उन्होंने प्रोडक्शन में की, क्या क्या इनोवेशन, जैसे कोल्ड वाटर हो जाता है, ब्रीडिंग कम हो जाती है, तो फीड किस तरह का होना चाहिए कि जो ब्रीडिंग बनी रहे, कम पानी में कैसे जो है सर्कुलेशन करके पानी का उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है कि एक तरफ से मछली को डालते हैं, लास्ट में 10 मिनट के अंदर उसका जो है जो होता है ना मैकडोनल्ड वगैरह में मिलता है टिक्की, आलू की टिक्की जैसा, वो बना के रेडी टू ईट, तो मैं तो खाता नहीं, गए थे जो खाते थे उन्होंने उसको टेस्ट किया। यानी किसान ने 5 एकड़ से शुरू किया, और वो बता रहे थे जब मैंने 5 एकड़ में मछली पालन शुरू किया तो घर वालों ने मुझे गांव से बाहर कर दिया, फैमिली वालों ने, ये काम हमारा थोड़ी है। लेकिन अब उसके परिवार वाले उस पर गर्व करते हैं कि वहाँ 2-4 बसेस डेली और हफ्ते में 1-8 फॉरन डेलीगेशन वहाँ उसके काम को देखने जाते हैं। फिश बाइट उसने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है और कैनेडा में उसकी फ्रेंचाइज रखी, उसका एक लड़का कैनेडा में रहता है, अच्छे उसको ये भी एक सोच है। खेती अब सोच के रह गई, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपनी 50 एकड़ ज़मीन है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके घर में बहुत रिसोर्सेज हैं, तभी आप तरक्की कर सकते, ऐसा नहीं है। जिसने सोचा है लैंड भी अवेलेबल है, लीज पे ले रहे हैं, अपनी एक भी बीघे लैंड नहीं है, ऐसे भी एक कृष्णा पिकस का तो आपने देखा होगा, 1 बीघा ज़मीन ले रही अनपढ़ महिला है, अभी 152 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, और मार्केट सर्वे इतना हुआ है कि किस चीज़ की डिमांड है। जैसे अभी शुगर की लोगों को प्रॉब्लम है, शुगर मिठाई खाना कम पसंद करते हैं, तो उसने जो है लड्डू बनाए इसके आंवले के, और जब दिवाली आती है तो 10,000-20,000 डब्बे वो तैयार रखता है। जैसे फैक्ट्रीज हैं, 100 वर्कर हैं, कहीं 500 वर्कर हैं, तो 500 डब्बे वहाँ पहले से ऑर्डर लेते हैं। अब जैसे लोगों के घुटनों में दर्द है, मैंने भी मंगाया, तो हल्दी का अचार बनाया है, लहसुन का अचार, मतलब ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें जो लोग जनरली नहीं अवेलेबल हैं वो बनाता है। 152 तरह का 100-150 महिलाओं को उसने रोजगार दे सकते, ज़मीन अपनी नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल खरीद के उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करके बहुत अच्छे अच्छे फार्मर, 100-200 एकड़ वाले फार्मर से भी ज़्यादा उसकी इनकम। तो ये अब जो डाइवर्सिफिकेशन का दौर है, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है, और अब इसमें एक तबका ऐसा भी आ रहा है जो बहुत पढ़े लिखे। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, IIT के ग्रेजुएट्स पुणे में, उन्होंने देखा कि जो कॉलोनी में दूध आता है वो रोजाना फट जाता है, उसमें स्मेल होती है, तो उन्होंने सोचा कारण पता लगाया क्यों होता है, उसमें मिलावट की दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस चीज़ की थी कि वो जहाँ से चलता था प्रोडक्शन पॉइंट से और कंजम्पशन पॉइंट में जाते जाते टाइम बहुत लगा। अब उन्होंने एक वैल्यू चेन, जॉब छोड़ दिया, वैल्यू चेन उन्होंने अपनी डेवलप की, चिलिंग प्लांट बीच बीच में उन्होंने लगाए। अब वो उनके शायद 1,000 या कितने कस्टमर उन्होंने उसके रजिस्टर्ड किए हैं, अपनी पूंजी लगाई है, उसमें बहुत सारा करोड़ों रुपया दूसरे लोगों ने इन्वेस्ट किया। यानी प्रोडक्शन ही नहीं, उसका जो मार्केटिंग है वो कैसे किया जाए, चाहे वो शहद की हो, चाहे दूध की हो, चाहे आपका गन्ना है, गन्ना से लोग अब सिरका बनाना शुरू कर दिए हैं, गन्ना की प्रोसेसिंग करके सिरका बनाना, बी हनी के लिए पहले लेते थे, अब ऐसे जो किसान हैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर में, मैंने सर्वे किया, मेरी की स्टूडेंट ने वहाँ PhD में काम किया था, किसान इस तक हद तक आगे बढ़ गए कि अब उससे जो है वो बी वेनम निकाल, बी पोलन उससे निकाल, और उसका एक किसान ने बताया, एक सैनी है संजय सैनी, कि साहब मैं नेट पे देख रहा था कि बी वेनम निकालने के लिए एक मशीन इंग्लैंड में है, 30,000 की पड़ेगी, मैं खुद उसे बना रहा हूँ और 3,000 में बन जाएगी हम लोग। तो ये इस तरह की सोच, बिजनेस ओरिएंटेड सोच, यही नहीं कि मुझे शहद पैदा करना है, यही नहीं मुझे अदरक पैदा करना है, यही नहीं मुझे गन्ना पैदा करना है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, तो अब वैल्यू चेन पे बहुत ज़्यादा जोर है। एक लास्ट में मैं ये कहूँगा, योजनाएँ बहुत चली है लेकिन उसको अल्टीमेट जो यूजर है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए,
सरकार ने बहुत पहले की एक संपदा योजना 6000 करोड़ की शुरू की है वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलग से शुरू की है स्किल इंडिया, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि पढ़ लिए एमए किए बीए किए से नहीं, आपने कोई स्किल होना चाहिए। केवीकेज ने एक आस की शुरू किया है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो केवीकेज के थ्रू युवाओं को 200 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इनको जो युवा है, हमारे देश की स्ट्रेंथ हमारा युवा है, ऐसा वर्ल्ड में कोई देश नहीं जितने युवा इस देश में है जो वर्किंग एज में है। लेकिन इन युवाओं को हमें लायबिलिटी न समझ के असेट कैपिटल में कन्वर्ट, रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम इनकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी डेवलप करें, स्किल डेवलप करें। स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है और एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। अलग से मिनिस्ट्री बना दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट थी। ये इसी चीज़ को देखते हुए कि इसमें बहुत अभी इस सेक्टर में बहुत संभावना है। तो हमें जो भी स्कीम चल रही है उसको जो है गांव के स्तर तक लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, आपके लिए ये स्कीम है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है, पात्रता ये है, इसमें ये प्रोविजन सब्सिडी या बेनिफिट का रखा गया है, और इसको अवेल करने के लिए आपको क्या फॉर्मेलिटी करनी है, क्या उसका परफॉर्मा है, किससे आपको मिलना है, जिससे जितनी योजनाएं ये शुरू की हैं उनका जो है किसानों को फायदा हो सके। लास्ट में एग्रीकल्चर टू एग्री बिजनेस, और जो मैं कह रहा हूँ इनोवेटिव फार्मर्स हमें यहाँ सम्मानित करते हैं, यदि उनको रेप्लिकेटेड कर दिया जाए, फार्मर लेड इनोवेशंस जो हैं उनको रेप्लिकेट कर दिया जाए तो आमदनी दोगुनी में उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये जिले के स्तर पर दो संस्थाएं हैं, केवीके और एक है आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एक्चुअली जो एक्सटेंशन का काम है वो आत्मा का है, जो नया स्वरूप है, और उसमें टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग का जो काम है वो केवीके का है, और केवीके इसमें बड़ा सशक्त है क्योंकि हर केवीके किसी न किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, या तो ICR इंस्टीट्यूट से है या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, कुछ केसेस में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से भी है। तो अब जो केवीके का जो काम है वो न्यूअर एरियाज में जॉब ओरिएंटेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओरिएंटेड एरियाज में उनकी स्किल डेवलपमेंट करने का काम वो कर रहा है। जो तालमेल सोचा था आत्मा और केवीके का, समहा वो इतना अच्छा तालमेल हो नहीं पाया। आत्मा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि पहले सब अपना अपना काम कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर अपना कर रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट अपना कर रहा है, एग्रीकल्चर अपना कर रहा है, उनको एक कन्वर्जेंस कर दिया गया। मेरा एक और मानना है कि ये चार संस्थाएँ हर ज़िले में ज़रूर होती हैं, एक केवीके हर ज़िले में है, एक आत्मा हर ज़िले में है, एक नाबार्ड हर ज़िले में है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नाबार्ड, और एक लीड बैंक ये हर ज़िले में है। इसके अलावा और भी संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया फार्मर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, वो तो 12-13 ही बनाया, ज़्यादा बनाए उसकी तर्ज पर, फिर स्टेट बैंक ने शुरू कर दिया, हर बैंक अपने बनाने लगा, फिर आपका ये साउथ का बैंक भी, इंडियन बैंक भी कर सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक ने ये रूट सेटीज बनाए, 20-25 वो भी बनाए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ ये चार संस्था तो हैं ही, और इसके अलावा कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी हर जिले में होते हैं, लेकिन वो क्या रहा है कि कन्वर्जेंस नहीं, दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन। क्लाइंट सबका एक ही है, क्लाइंट नाबार्ड का भी क्लाइंट वही है, डिस्ट्रिक्ट जो लीड बैंक है उसका भी क्लाइंट फार्मर है, केवीके का भी और इसका भी, लेकिन दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन। तो हमने एक दो जगह मॉडल किया, हापुड़ में हमने 3 साल काम किया, क्या हम इनको कन्वर्स कर सकते हैं, और उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। हमने ट्रेनिंग दी, रूट सेट को भी रखा, गाजियाबाद में रूट सेट है, हमने उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग उन्होंने दी, बैंकेबल प्रोजेक्ट उन्होंने बनवाया, बैंक से लिंक
उन्होंने किया, और आपका जो नाबार्ड है उसने डिफरेंट तरीके से सपोर्ट किया। एक लक्ष्मी जन कल्याण संस्थान थी, उसने मार्केटिंग में हेल्प की, और यहाँ तक कि उनको हमने फिर IRA में एक जगह दी कि जब उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, ये सारी चीज़ें की, तो बेचेगा, तो उनको IRA में, अभी भी वो चल रहा है, IRA में हमने उनको एक फार्मर हॉल यहाँ पर बनाया। हालांकि इतना बड़ा अभी नहीं है, उसके लिए दूसरी लैंड मिल गई है, तो वहाँ चलेगा काम। तो उनको अभी भी वो अपने प्रोडक्ट जो है वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं IRA में हमारे प्लेटफॉर्म से अभी भेज सकेंगे। तो जब तक हम पूरा चेन नहीं बनाएंगे, हमने ट्रेनिंग दे के भेज दी, अब बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ट्रेनिंग लेके गए और वो आदमी बहुत मोटिवेट है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे गाइड, हम तो टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी लेकिन आगे कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो 10 खिड़कियों पर जाएगा, वहाँ से कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटेगा, कई धक्के खाएगा, ये फार्म भरो, ये फार्म भरो, ये दो वो, तो उसका जो यहाँ से मोटिवेट होके गया था वो टूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चेन बन जाए कि हमने ट्रेनिंग दी, नाबार्ड ने ये किया, उसने ये किया, उसने मार्केटिंग में हेल्प की, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा एक सजेशन, कैन वी डेवलप ए सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम। यदि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, बहुत सारे उनको सर्टिफिकेट लेने होते हैं, पॉल्यूशन का लेना है, रजिस्ट्रेशन का लेना है, इनकम टैक्स का लेना है, सेल टैक्स का लेना है, तो वो उसका फ़ायदा वो तो उठा पाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, रिसोर्सफुल हैं, लेकिन एक आम आदमी वो कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी खिड़की पे जाके अपना दम तोड़ देता है, बोले छोड़ो ये बड़ा मुश्किल है। तो हमें इसको जैसे FDI में प्रमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं बाहर के लोगों को बिजनेस यहाँ पे करें, इसी तरह से मुहिम के रूप पे इसको एक लेना पड़ेगा कि जो लोग एंटरप्राइज, क्योंकि देखिए जॉब तो बढ़ने हैं नहीं, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, लोगों के एस्पिरेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, और नए सेक्टर में जॉब नहीं है, लेकिन उनको उनकी पोटेंशियल को इनकेस करने के लिए ज़रूरत ये है कि वो एंटरप्राइज क्रिएट करें, जॉब सीकर्स ना हो के जॉब को ऑफर देने वाले बने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास में हों। जैसे KVK है, एग्रीकल्चर के लिए तो हो गया, लेकिन उसमें भी ये कॉम्पिटेंसी नहीं है कि यदि कोई किसान ये जाए कि मुझे साहब टमाटर से ये बनानी है सॉस, वो तो बता देगा कैसे सॉस बनानी है, अब इसकी इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे क्या करना है, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, क्या उनके स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, कौन से मुझे फार्म भरने हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एजेंसी से मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, लेबर लॉज क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, इस पर हम एक किताब लिख रहे हैं। हो सकता है अगली मुलाकात हो तो ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाए।